सत्कर्म, कैसा सत्कर्म? तो नारद जी पूछने लगे सत्कर्म होता तो क्या। अब उन्होंने तो अपनी जितनी बुद्धि थी उतनी बुद्धि लगाई, गीता पाठ सुनाया, वेदों का ज्ञान दिया, गीता पाठ मुहूर्तों बार बार गीता पाठ को बार बार सुनाया, लेकिन ज्ञान वगैरह के कुछ क्षण के लिए जो है जागते हैं और फिर मूर्छित हो जाते हैं। फिर उन्होंने जो है जब उसका समाधान कहीं नहीं मिला तो कहाँ गए? चार भाइयों के पास, चार कुमार के पास, सनक सनंदन सनातन संत कुमार, इन चारों भाइयों के पास गए और उनसे पूछा। जब उन्होंने कहा आप सत्कर्म करें तो नारद जी कह रहे हैं कि क्या आप ही सत्कर्म जानते हैं? क्या है वो सत्कर्म हमें बताइए। तो जैसे ही ऋषि बालकों ने कहा कि वह सत्कर्म है श्रीमद् भागवत महापुराण, तो नारद जी भी चौंक उठे कि श्रीमद् भागवत महापुराण सत्कर्म है? अरे आप क्या जानते हैं, मुझे इसका ज्ञान नहीं है, मुझे पता है मेरे पिता ब्रह्मदेव ने तो मुझे भी तो ये बताया है। लेकिन ऋषि कुमारों ने कहा बताया जरूर है, लेकिन आप इसको ऐसा समझिए, ऐसा नहीं है सत्कर्म। यहां से कथा देखो, इसमें 18,000 श्लोक है, इस महापुराण में 335 अध्याय है, 12 स्कंद है, तो इसको तो अगर सालों भी करें तभी पूर्ण नहीं होता। तो ये ऋषियों ने ही बताया हुआ है, इसका सार सार समझना, सारी समझना, तभी तो यह सत्कर्म होता है। भाई हम जैसे अगर सीधे बारिश होती है, आपको पता है बारिश होती है, तो जब बारिश होती है तो कैसे होती है? बादल जल जाते हैं समुद्र से और उस जल को बरसाते हैं, तो वो पानी कैसा होता है? मीठा, मीठा होता है ना। और वही अगर हम सीधे समुद्र के पास चले जाएं तो कैसा होगा? नमकीन होगा, खारा होगा। इसीलिए आप अपने घर में अगर पुराणों को रखेंगे और पुराणों को पढ़ेंगे तो आपकी समझ में जरूर नहीं, एक भी शब्द आपकी समझ में नहीं आएगा। आपने दो चार श्लोक जहां तक सुने अगर वो पढ़े बाद में आप बोर हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। क्योंकि समुद्र के पास अगर सीधे जाओगे तो वो खारा ही लगेगा, और वही समुद्र का जल अगर बादल लाएंगे और आप पर बरसाएंगे तो वो मीठा हो जाएगा। इसी प्रकार संतों की वाणी के द्वारा जो यहाँ से आपको प्रभावित कराया जा रहा है तो ये मीठा होगा, ये बड़ा मीठा है। तो वही नारद जी ने कहा कि मैं भी जानता हूं। तो फिर संतों ने कहा आप ऐसा समझिए जैसे कि आजकल सीजन का कौन सा फल है पता आपको? आम, आम है ना? तो आम कहाँ लगता है? पेड़ पर, और पेड़ पर लगता है, और आम कैसा होता है? रसीला, मीठा। और वो रस कहाँ से जाता है? पेड़ से ही जाता है, टहनियों से ही जाता है। और अगर हम सोचें कि जब रस पेड़ में ही है, जड़ में ही रस है, तो जड़ को चबाने का रस आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो वो रस कब आएगा? जब आम लगेगा। लेकिन रस किसका गुण है? जड़ का गुण। वैसे ही चीनी चाय में डालते किससे बनती है पता आपको? ईख, गन्ने से बनती है। और जब गन्ने से चीनी बनती है तो स्वाद कब आता है? जब चाय बनती है। और हम चीनी का इंतजार ना करें, चीनी ना बनाएं और गन्ने का रस अगर डाल दें तो क्या चाय का स्वाद आएगा? इसी प्रकार से आप पुराण अगर संतों और महात्माओं की वाणी से अगर आपकी समझ में नहीं आता है तो आप कभी नहीं समझ पाओगे। इसीलिए यह सत्कर्म है। ऐसा जब नारद जी को समझाया तब तो नारद जी जागे हुआ, ये तो आपने सत्य बात कही, तब तो यह महाज्ञान यज्ञ करवाया। तो ये सामान्य पुराण नहीं है, ये महापुराण है। इस महापुराण को समझना हमारा पहला कर्तव्य है। और दूसरा धन्य, अभी अभी महाराज जी ने कहा धन्य सो धन्य प्रथम गति जागरण। अरे वो इंसान कौन है जिससे पाप नहीं होता? सबसे पाप होता है, कोई भी जाने में अनजाने में जो जानबूझ करके कर रहा हो, तो अगर जो कर्तव्य नहीं हो अनजाने में भी उससे कोई ना कोई कहीं पर पाप हो जाता है। तो हम तीन ऋणों से बंधे हुए हैं, पहला ऋण दैव ऋण, ऋषि ऋण, और तीसरा ऋण पितृ ऋण। और उन तीनों ऋणों से मुक्ति मिलेगी जब आप भागवत की शरण में आओगे, और वो धन जब आपका यहाँ लगेगा तो आपका धन वहाँ पाप का धन नहीं पुण्य का धन होगा। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा बढ़कर के इस ठाकुर द्वारा मंदिर में प्रधान जी की बड़ी सुंदर व्यवस्था, बड़ी कामधेनु गायें यहाँ विराजमान है ठाकुर द्वार में। यहाँ से आप दूध भी ले सकते हैं, जिसको दवाई के लिए कहीं लेना है, गौ माता के लिए चारा दे सकते हैं, दान दे सकते हैं, लेकिन दूध आपको मोल का नहीं बिकेगा, क्योंकि माँ का दूध यहाँ से प्रधान जी बेचते ही नहीं है। तो सबसे तभी सफल होगा जब आप लोगों का